वाईफाई एजुकेशन हब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 16 नवंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और इसके आंसर की मैं आपको तो बताऊंगा जो हमारे दोस्त के द्वारा प्रश्न उत्तर बताए गए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। उसकी पीडीएफ फाइल आपको नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप पूरा का पूरा एक बार देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले चैनल पर है तो आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए अगले पहला जो पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर है? तो कनाडा और यूएसए के बंद। ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये प्रश्न पूछा है। यस बैंक के प्रमुख कौन है? राणा कपूर है, यस बैंक के प्रमुख हैं। पौधों को सबसे कम किस तत्व की आवश्यकता होती है? पोटेशियम की आवश्यकता होती है। सबसे कम किस तत्व की होती है? पोटेशियम की आवश्यकता होती है। दमन और दीव की राजकीय भाषा क्या है? तो गुजराती उनकी राजकीय भाषा है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर के अंदर स्थित है। शिमला किस राज्य की राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के प्रमुख कौन है? गुरदीप सिंह है। 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के बरेली बरेली के नेता कौन, विद्रोह नेता कौन थे? खान बहादुर थे। बादशाही मस्जिद कहाँ है? लाहौर के अंदर स्थित है। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की न्यूनतम खाते की राशि 1000 की घटाकर कितनी कर दी थी? 250 रुपये, 250 रुपये कर दी गई है। गुजरात के जो सरकार है उस पार्टी का नाम क्या? भाजपा। क्या है? भाजपा। 11वां फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया के रोफेल नडाल ने जीता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। दो धातुओं का सोल्डर के गुण का प्रमुख कारण क्या? सज्जन। क्या हो जाएगा? असज्जन। क्या हो जाएगा? असज्जन। विदेश सचिव कौन है? विजय केशव। तो इस प्रकार से आज प्रश्न पूछे गए दोस्तों, बहुत ही कम टाइम है जो प्रश्न हमारे पास में मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर जरूर करें। इसकी पीडीएफ फाइल नीचे लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही सेकेंड पारी का पेपर आएंगे हम अपडेट कर देंगे। थैंक यू सो मच।